रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार, रसूल अल्लाह वो बेसहारों का सहारा यार, रसूल अल्लाह सहारा यार, रसूल अल्लाह। फर्स्ट विसल हो चुका है और सेकंड विसल होने पे चल पड़ेगी। स्टेशन पे इतना ख़ास रश नहीं है, शायद रात के 4 बजे सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए कोई शाजो नाजर ही नहीं कर रहा है, वरना ट्रेन के रुकने पे अच्छा खासा रश हो जाता है स्टेशन पे। बहुत ही ज़िक्रिया में भी सेम यही सीन है। ट्रेन हमारी चल पड़ी है, AS रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड। SSR ग्रुप के जेरे अंडर चलने वाली बहुत ही ज़िंदा एक्सप्रेस। सुबह के 9 बज रहे हैं, रोड़ी के बाद सो गया था और अब जाके आँख खुली है। ट्रैकर पे देखा तो ट्रेन फरोजा के पास से गुजर रही थी और 4 घंटे ये लेट हो चुकी थी। रात की स्पीड से लियाकतपुर के पास से गुजर रही है।
जिसकी वजह से ये आप रुक चुकी है लियाकतपुर के बाहर। लियाकतपुर क्रॉस कर चुके हैं, डाइनिंग कार में बैठे हैं पावर भाई और मैं, चाय वगैरह मेरे के घर से। एमसीएस का अमला भी बैठा हुआ है। पानी की प्लेट है चाय के साथ 200 रुपीज़ की है। डेरा नवाब से हम गुजर रहे हैं अहमदपुर शरीफ। जी जी कैसा है, सही है। सम्मा सट्टा के पास ये पुल पे वर्क हो रहा है। गाड़ी इस ट्रैक की बजाय वहां से जाया करेगी। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त एनसीएस के अमले के साथ हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनकी ड्यूटी कैसी है और इनके मुताबिक डिटेल वगैरह जानते हैं। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम मलिक इश्तियाक है। जी मलिक इश्तियाक है। और इंचार्ज में काम कर रहा हूँ और ये हमारे कुलीग, इनका नाम हमजा है और ये भी हमारे साथ है। अच्छा सर, इसमें ये बताएं, अगर कोई मुसाफिर बगैर टिकट के चढ़ता है तो उसको आप जुर्माना भी करते हैं या उसकी टिकट बना के दे देते हैं? सर फिलहाल तो टिकट बना के दे रहे हैं। अच्छा, जुर्माने का फिलहाल नहीं है।
जुर्माना उसको होता है जो टिकट बिल्कुल नहीं बनवाता, उसको टिकट भी फाइन होता है और जुर्माना भी फाइन। सही है। और अगर कोई मुसाफिर ट्रेन से टिकट बनाता है तो उस पर कितने परसेंट एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो सिस्टम में हमारे आ रहे हैं जी जी वही चार्जेस होंगे। सही है। मतलब कोई भी बिजनेस क्लास या एसी लोअर की टिकट बनवा सकता है? बिल्कुल बनवा सकता है। और आप पर्सनली तौर पे खुद इस सफर को किस तरह एंजॉय करते हैं? बहुत मजा आता है, ड्यूटी की ड्यूटी भी है और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट भी है। मतलब आप भी रेल फैनिंग है? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी ड्यूटी कराची से मुल्तान तक रहती है या रावलपिंडी तक? नहीं, कराची से मुल्तान तक। मतलब आपका अमला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मुल्तान से रावलपिंडी और एक मुल्तान से कराची। बिल्कुल ठीक, अप डाउन का यही शेड्यूल चलता है हमारा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। मेरी इस ट्रेन के ट्रेन मैनेजर मलिक इश्ताम साहब से बात हो रही थी, बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव बंदा है, बहुत ज़्यादा अखलाक वाले बंदे हैं, ये कोऑपरेट करते हैं, हर तरह के बंदे से कोऑपरेट करते हैं, किसी पे वो सख्त नहीं करते जिस तरह दूसरी ट्रेनों वाले करते हैं, फर्स्ट क्लास लॉजिस्टिक वाले उनकी तरह के ये बिल्कुल लोग नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। टिकट वगैरह आपको विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस के बना के देते हैं। अक्सर ये होता है कि ट्रेन में जब आप टिकट बनवाते हैं तो उस पर 10% वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जितने का टिकट बन रहा है उसी हिसाब से वो टिकट आपको देते हैं। जब आप पहुंचने वाले हैं और ट्रेन हो चुकी है 4:45 लेट और अभी हम शुजाबाद के पास पहुँचने वाले हैं, मुल्तान पहुँचेंगे 11:50। शुजाबाद रेलवे स्टेशन एंटर होने से पहले ही गाड़ी रुक चुकी है। ये लोग गोश्त को सुखा रहे हैं, ये पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं सुखा के। ईद पे हर घर से ये इकट्ठा करते हैं और पूरा साल ये इस्तेमाल करते हैं। जी जी आम ढूंढने के लिए जा रहे हैं बाहर, इनकी ड्यूटी है ये एसी वगैरह ठीक करना, अगर किसी कोच का एसी नहीं चल रहा। ये रूम है इनका, अटेंडेंट रूम। आम की तलाश में गए हैं, मुल्तान के आम खाने हैं उन्होंने। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे
बाद आज के जर्नी का हमारा आखिरी स्टॉप होगा खानेवाल जंक्शन। सात का बाद तक मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वगैरह। ट्रेन मुल्तान कैंट से निकल चुकी है और अभी हम बाबर भाई से नाक सुनेंगे। आज का हमारा जर्नी यहाँ पे ख़त्म पसीर होता है। बहुत अच्छा जर्नी रहा, 5 घंटे लेट भी थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सफ़र रहा। और इनका जो हमला है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है NCS का, और ट्रेन भी मेरी फेवरेट थी इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। बाबर भाई की भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट ट्रेन है, बहुत मज़ा आया। मालूम बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला। ठीक है जी, अच्छा जनाब। ये हमारे हम सफ़र थे, इन्होंने आगे जाना है गुजरात। पूरा जी इंशाल्लाह, अपना हमारे भी। दानल भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेन में, काफ़ी दफ़ा थोड़ी थी लेकिन जिस ट्रेन में काफ़ी अच्छा
मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़। खानेवाल जंक्शन में यही सीढ़ियाँ इन एंड आउट का रास्ता है, यहीं से पैसेंजर आते हैं और यहीं से वापस जाते हैं। यहाँ ये है अपना खानेवाल का स्टैंड, जिसमें आप टैक्सी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह और रिक्शा वगैरह भी खड़ा कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ रिक्शे इधर खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको शहर जाने के लिए रिक्शा मिल सकता है। और ये है वो इमारत जहाँ से आप टिकट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं खानेवाल। यहाँ से रिक्शे में जाएंगे शहर की तरफ। ये टिकट घर है और ये हैं हमारे नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम।